जी आगे चलते हैं। हमने आज स्टार्ट करना था लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहाँ पे समझते हैं ये लिंक क्या है। यहाँ पे जो लिंक है इसको बोला जाता है बेसिकली हाइपर लिंक। क्या बोला जाता है? हाइपर लिंक बोला जाता है। इसका जो पूरा नाम है वो है हाइपर लिंक। लिंक का मतलब होता है ताल्लुक। लिंक बेसिकली एमएस वर्ड में इसलिए काम आते हैं, अगर मैं एमएस वर्ड के साथ कोई और फाइल अटैच करना चाह रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं इस जगह पे क्लिक करूं एकदम एक तस्वीर ओपन हो जाए, या मैं इस जगह पे क्लिक करूं एक एमएस वर्ड की दूसरी फाइल ओपन हो जाए, या इधर क्लिक करूं एमएस एक्सेल ओपन हो जाए। तो इस तरीके से आप लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अपनी फाइल को अटैच करने के लिए किसी दूसरी फाइल के साथ। ठीक है, वो फाइल पिक्चर भी हो सकती है, वो वेबसाइट भी हो सकती है। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखूं गूगल और गूगल पे क्लिक करूं गूगल खुल जाए, google.com खुल जाए, फेसबुक पे क्लिक करूं फेसबुक खुल जाए। तो आप इस तरीके से लिंक्स का इस्तेमाल कर। लिंक्स का इस्तेमाल कैसे करना है आपने, जिस लफ्ज के ऊपर आप लिंक लगाना चाह रहे हैं वो लफ्ज आपने कर लेना है सिलेक्ट। जैसे कि यहाँ पे है वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, इस तरीके से लिखा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इम्बेड कोड लिखा है उसके बाद यहाँ पे है इंसर्ट। इंसर्ट का टैब मौजूद है, इंसर्ट के टैब में है लिंक, लिंक्स का ग्रुप, और लिंक्स के ग्रुप में है लिंक। लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा इंसर्ट हाइपर लिंक। सबसे आपने यहाँ पे देखना है जो लेफ्ट कलर की बार बनी हुई है, लेफ्ट कलर की बार में क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं वो हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहली ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। यहाँ पे अब आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ एड्रेस। क्या लिखा हुआ है? एड्रेस। आप एड्रेस में वेबसाइट का एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि www.google.com। ये एक पूरी वेबसाइट का एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इम्बेड कोड है, मैं जब इस पे क्लिक करूँ तो google.com ओपन हो जाए। google.com ने लिखा google.com और यहाँ से कर दिया ओके। अब मैंने यहाँ पे जब ओके किया तो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर मैंने लिंक लगाया था वो ब्लू हो गया है और नीचे अंडरलाइन हो गई है, ऐसे ही है। और यहाँ पे जब मैं माउस ऐसे ऊपर रखूंगा से तो वो मुझे ऐसे ऊपर बता रहा होगा कि यहाँ पे क्लिक करने से google.com खुल जाएगा। अगर इस लिंक को खोलना चाह रहा हूं, मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, कंट्रोल की प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड से। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो इम्बेड लिखा हुआ है इसके ऊपर कंट्रोल दबा के क्लिक करना है। कंट्रोल दबा के जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पर्पल हो गया और google.com देखें खुल जाएगा। ये देखें google.com खुल गया। ठीक है, जो भी आपने ब्राउजर अपना डिफॉल्ट ब्राउजर सेट किया होगा जैसे गूगल क्रोम, ओपरा, फायरफॉक्स, उसके ऊपर ये गूगल खुल जाए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कोई दूसरी फाइल खुल जाए, अभी तो हमने लगा के देखा था लिंक पे आपका एक वेब ब्राउजर के अंदर कोई भी वेबसाइट खुल जाए जैसे facebook.com, दूसरा google.com, yahoo.com। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं पावरफुल के ऊपर क्लिक करूँ और पावरफुल पे क्लिक करने के बाद कोई फाइल खुल जाए जो पहले से बनी पड़ी है, तो मैं पावरफुल को करूँगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर जाएंगे लिंक में, लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपने यहाँ पे देखना है सेम वही चीजें। पहले हम यहाँ पे एड्रेस लिख रहे थे, एड्रेस आपने नहीं लिखना, आपने ढूंढना है वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, यहाँ आपने लुक इन पे क्लिक करना है। ठीक है, वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है आपने उसको ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे एक फाइल बनी पड़ी है मेरे पास, ये एक तस्वीर या ये एमएस वर्ड की फाइल है एक 1 2 3 4। इस पे क्लिक करके यहाँ से ओके किया। मैं बेसिकली करना ये चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ पावरफुल पे क्लिक करूँ और 1 2 3 4 वाली जो फाइल है एमएस वर्ड की वो ओपन हो जाए, और यहाँ से किया ओके। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एमएस वर्ड में आपका एक लफ्ज लिखा हुआ है पावरफुल, वो ब्लू कलर का हो गया, यानी कि इस पे हाइपर लिंक लग गया है। और यहाँ पे मैं जब माउस इसके ऊपर लेके आऊंगा तो वो बताएगा आपको कि फाइल एक ओपन हो रही है जिसका नाम है 1 2 3 4। वो पूरा पाथ बता रहा है फाइल का कि वो सी में पड़ी है, यूजर्स में है, वीटीआई डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है, उसका नाम है 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे पूछ रहा है क्या हम इस फाइल को खोल दें। मैंने कहा यस। तो जैसे ही हमने यस किया तो आप देख रहे हैं कि एक नई फाइल जो बनी हुई थी 1 2 3 4 वो आपकी ओपन हो गई। जी समझ आ रही है। उसके बाद यहाँ पे हाइपरलिंक्स में ये हमने चीजें देखी हैं। आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी लफ्ज पे क्लिक करूं और एक तस्वीर ओपन हो जाए तो आपने सेम वही काम करना है। सबसे पहले तो इसको आपने करना है सिलेक्ट। ठीक है, समझ आ रही है? कंट्रोल के, तो हम एक लफ्ज को सिलेक्ट करते हैं, कोई भी यहाँ से लफ्ज देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ जो लिखा हुआ है हेल्प, हेल्प को किया मैंने सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ऊपर लिंक पे गया, लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे जहां आपकी तस्वीर पड़ी होगी सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, डॉक्यूमेंट्स में, वो आपने ढूंढनी है। तो मेरी यहाँ पे कोई भी तस्वीर पड़ी है, जैसे कि
यहाँ पे एड के नाम से पड़ा है, क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पे एक लिंक लग गया, ब्लू हो गया ये, और कंट्रोल दबा के आपने इस पे क्लिक करना है और यस करना है, तो जो भी तस्वीर बनी होगी, जो भी आपने ऐड किया होगा, वो ओपन हो जाएगी। तो ये होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से इस तरीके से आप अपनी फाइल को अटैच कर सकते हैं किसी भी लिंक के साथ, ठीक हो गया। तो आप ये काम कर सकते हैं कि अपने काफी सारे नाम लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिलाल, ठीक है, अशारे, फिर हसनैन, इस तरह से। फिर आपने हर किसी पे एक एक लिंक लगाना है, यानी कि बिलाल पे क्लिक करूंगा तो बिलाल की तस्वीर खुल जाएगी, अशारिफ पे क्लिक करूंगा अशारिफ की तस्वीर, हसनैन पे क्लिक करूंगा हसनैन की तस्वीर ओपन हो जाएगी, ठीक। तो आप ऐसे भी काम करके देख। लिंक्स के बाद हम देखते हैं बुकमार्क क्या होता है। कोई आइडिया है आपको बुकमार्क क्या होता है, कभी ये लफ्ज सुना हो तो? जैसे कि इस्लामी किताबें होती हैं, उसके अंदर एक धागा सा बंधा होता है, वो आपको ये मदद देता है कि अगर आपने 10 पेज पढ़ ली है तो आप वो थ्रेड जो है वो वहां पे लगा दें और फिर बुक को बंद कर, रिबन सा बंधा होता है हर किताब के साथ। अगर वो नहीं भी आए तो आप ऐसे पेन रख देते हैं किसी रजिस्टर के अंदर, ताकि आपको वो सफा मिल जाए जहां तक आपने काम कर लिया, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट बुकमार्क का भी है। बुकमार्क का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे जहाँ पे काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 पेजेस बना लिए हैं, या 3 या 4 पेजेस है मेरे पास, मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, फॉर एग्जांपल मैं रीडिंग कर रहा था यहाँ पे, मैंने इतना हिस्सा पढ़ लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे निशान लगाना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है, यानी एमएस वर्ड को जब मैं बंद करके दोबारा ओपन करूंगा, हो सकता है मैं भूल जाऊं कि मैंने कहां तक रीडिंग कर ली है इस फाइल, तो मैं वहां पे बुकमार्क लगा दूंगा, वहां पे एक निशान लगा। आपने कैसे निशान लगाना है? बुकमार्क लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने उस लफ्ज को सिलेक्ट कर लेना जहां पे आप कोई निशान लगा रहे हो, जहां तक आपने पढ़ लिया हो या जहां पे आपने काम कर लिया, आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप ग्रुप में गए, लिंक्स के ग्रुप में दूसरे नंबर पे ऑप्शन मौजूद है बुकमार्क, बुकमार्क पे क्लिक किया। बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद वो हमसे बुकमार्क का नाम पूछा। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं नाम वही रख रहा हूँ जिस लफ्ज को मैंने सिलेक्ट किया, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख, यानी कि ये जगह जो है वो इस नाम से कनेक्ट। और यहाँ पे ऐड पे क्लिक आपने करना है। ऐड पे क्लिक कर दिया, अब एक बुकमार्क ऐड हो गया। अब बुकमार्क लगा हुआ यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, आप समझ रहे होंगे शायद ये हाईलाइट हो जाएगा ऐसा। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे कहीं भी आया, कर्सर रखता, अब मैं वापस जाना चाह रहा हूँ उस जगह पे जहाँ पे बुकमार्क लगा हुआ था। आपने सबसे पहले बुकमार्क पे क्लिक करना है। बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बुकमार्क की लिस्ट आ रही होगी, जहां जहां पे बुकमार्क आपने लगाए होंगे। तो यहाँ पे देखें गैलरी शो हो रहा है, यही मैंने अभी बुकमार्क बनाया था ना, तो आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। क्लिक करके ये ब्लू हो जाएगा, ये देखें ब्लू हो गया। और यहाँ से गो टू पे क्लिक करना है। गो टू का मतलब है कि आप इस बुकमार्क पे जाना चाह रहे हैं। गो टू पे क्लिक किया तो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ से हाईलाइट हो गया, और फिर यहाँ से क्लोज कर दें। अब ये देखें ये हाईलाइट हो गया, करके बुकमार्क लगा लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं लिख लेता हूँ चूज, तो यही लफ्ज है, ऐड कर लिया। इसी तरह यहाँ पे ग्राफिक्स है, इसको सिलेक्ट करके बुकमार्क पे क्लिक किया, और बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक की तरह, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐड, ठीक हो गया। अब बुकमार्क में जाएं। बुकमार्क में जाने के बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 बुकमार्क शो हो रहे हैं, चूज, गैलरीज और ग्राफिक। वो कह रहे हैं कौन से वाले बुकमार्क पे जाना, गैलरीज पे जाना चाह रहे हो, किधर जाना चाह रहे हो? तो मैं ग्राफिक्स पे क्लिक करके गो टू पे क्लिक कर देता हूँ, तो मैं देखें यहाँ से वो हाईलाइट हो गया ये ग्राफ। किसी बुकमार्क को आप डिलीट करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो आपने उसको सिलेक्ट करके यहाँ से कर देना है डिलीट, वो डिलीट हो गया। ग्राफिक्स को यहाँ से डिलीट कर दें तो वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ लगाना चाह रहे हैं, यहाँ लगाना चाह रहे हैं, इस वीडियो पे लगाना चाह रहे हैं। आपने इस वीडियो को सिलेक्ट किया, बुकमार्क पे गए, और मैं यहाँ से इस बुकमार्क का नाम लिख देता हूँ वीडियो 1, यानी कि ये पहली वाली वीडियो है, या वीडियो 1, ये स्पेस नहीं बीच में आप दे सकते, ठीक है, साथ ही आपको लिखना पड़ेगा वीडियो 1। फिर ऐड कर दिया। दूसरी वाली वीडियो पे मैं बुकमार्क लगाना चाह रहा हूँ, दूसरी वीडियो पे सिलेक्ट किया, और फिर ऊपर गए बुकमार्क, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ वीडियो 2। इसी तरह तीसरी वीडियो जहाँ पे मौजूद होगी उस पर आप लिखते हैं वीडियो 3। और अब आप कहीं जाना चाह रहे हैं बुकमार्क के ऊपर, बुकमार्क पे क्लिक करें, और ये देखें आपके पास लिस्ट आ जाएगी, 4 किस्म के बुकमार्क हैं, एक है चूज, एक है वीडियो 1, एक है वीडियो 2, वीडियो 3, जिस पे भी आप जाना चाह रहे हैं उस पर सिलेक्ट करके आपने गो टू पे क्लिक करना है, आप उस बुकमार्क पे चले बुकमार्क। और आगे हमारे पास आ रहा है क्रॉस रेफरेंस भी देखते हैं। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? मैं सबसे पहले एक फाइल उस तरीके से बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो जाए ये चीज। मैं हेडिंग 1 हेडिंग 2 तो हम कर चुके हैं, उसके लिहाज से मैं एक फाइल बनाता हूँ, कुछ हेडिंग्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट की कमांड का इस्तेमाल करके मैं फिल टेक्स्ट कर देता हूँ, और
एक हेडिंग वन ये बना देता हूँ ये जो वीडियो लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक हेडिंग वन ये बना देता हूँ ये जो टू में एक लिखा हुआ है, और थीम्स एंड स्टाइल की एक हेडिंग बना देता हूँ, और यहाँ पे एक और हेडिंग मैं बना रहा हूँ। मैंने एक ऐसी फाइल बनाई है जिसमें कुछ हेडिंग वन लगी हुई है, एक वीडियो है, एक टू मेक है, थीम्स एंड स्टाइल है, और रीडिंग इज ईजियर, इस तरीके से काफी सारी हेडिंग्स बन गई है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है कि मैंने कौन सा काम किया है, मैंने जस्ट हेडिंग्स बनाई जी। उसके बाद आपने क्या करना है, अब क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे लिखा हो वीडियो, वीडियो पे क्लिक किया जाए तो यहाँ पे ये वीडियो की हेडिंग है तो मैं इस वीडियो की हेडिंग पे आ, ठीक है, या यहाँ पे टू मेक लिखा हो ऐसे करके मैं इस पे क्लिक करूं, टू मेक की हेडिंग जहां भी मौजूद होगी मेरा कर्सर उधर आ, यानी कि मैं अगर 10वें पेज पे भी मौजूद हूं तो वहां पे ये लव्स लिखा हो तो मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं यहां पे आ जाऊं, ठीक हो गया। इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस, बिल्कुल हाइपर लिंक की तरह बेसिकली ये होता है, ठीक है। थोड़ी सी इसमें फर्क है, हाइपर लिंक किसी वर्ड के ऊपर लगता है, किसी वर्ड को सिलेक्ट करके लगाया जाता है, क्रॉस रेफरेंस खाली जगह पे लगता है, यानी कि आपको लव सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट एक ब्लैंक पोर्शन पे ब्लैंक जगह पे कर्सर अपना रख के क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करना हो तो क्रॉस रेफरेंस पे आप क्लिक करते हैं। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आप हेडिंग पे जाना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से रेफरेंस टाइप से सबसे पहले हेडिंग सेलेक्ट कर, ठीक है। जस्ट मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस रेफरेंस टाइप में से हेडिंग सेलेक्ट किया कि मैं हेडिंग पे जाना चाह रहा हूँ, ये टिक होना चाहिए, इंसर्ट एज हाइपरलिंक लिंक होगा तो हम उस पर क्लिक करके जा सकते। यहाँ पे आप देखेंगे कि काफी सारी हेडिंग्स के नाम शो हो, ठीक है। अब देखें मैंने वहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग पे चला जाऊं, एक लिंक लगा के मैं यहाँ पे इस पे इंसर्ट कर दूंगा वीडियो। अब आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे वीडियो लिखा आ गया, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने तो खाली जगह पे कर्सर रखा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या लिखा आ गया, वीडियो, यानी कि जो हेडिंग का नाम था वो यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, आप देख रहे हैं ये एक खाली लफ्ज है, लेकिन जब मैं इस पे कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो जहां भी वीडियो की हेडिंग होगी मैं उसके ऊपर चला, यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल दबा के तो यहाँ पे मेरा कर्सर, मैं चाहता हूँ कि ये नीचे यहाँ पे इस जगह पे ऐसा बटन लगाऊं कि मैं उस पर क्लिक करूं तो टू मेक वाली जो हेडिंग है उसके ऊपर मैं चला, तो यहाँ पे कर्सर आपने रखना है अपना, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करना है, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है टू मेक, और टू मेक पे आपने क्लिक करके कर देना है इंसर्ट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टू मेक लिखा आ जाए, ठीक हो गया। ये आपने दो बटन दबाए, आपने उसको कहा कि हेडिंग वन वीडियो पे जाने के लिए यहाँ पे दबाओ और टू मेक पे जाने के लिए यहाँ पे प्रेस करो। अब मैं कंट्रोल दबा के अगर वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो मैं वीडियो पे चला जाऊंगा, और अगर मैं कंट्रोल दबा के टू मेक पे क्लिक करता हूँ तो मैं टू मेक वाली हेडिंग। यहाँ तक बात क्लियर है, दोनों में एक फर्क था हाइपर लिंक में और इसके अंदर, वो ये था कि हाइपर लिंक किसी लफ्ज के ऊपर आप लगाते हैं और ये खाली जगह पे लगता है, पहला फर्क तो ये हो गया। दूसरा फर्क ये है कि हाइपर लिंक जहां पे आप लगाते हैं वो चीज ब्लू हो जाती है और अंडरलाइन हो जाती है, साफ पता लग रहा होता है यहाँ पे लिंक लगा, जहां भी आप क्रॉस रेफरेंस लगाते हैं वहां पे नहीं पता लगता, ये देखिए ये आम टेक्स्ट ही लग रहा है, आपको नहीं पता लग रहा यहाँ हाइपर लिंक लगा। हमने किया लिंक भी, बुकमार्क भी, क्रॉस रेफरेंसेस भी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो अब हम आगे आते हैं कॉमेंट्स की तरफ, के कॉमेंट्स क्या, बेसिकली तो ये समझ लेते हैं कि कॉमेंटिंग होती क्या है। आप जब भी कॉमेंट्स कर रहे होते हैं जैसे कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो आप अपनी राय दे रहे होते हैं या कोई चीज बता रहे होते हैं या कोई याद दहानी के लिए भी बात कर, आप जैसे जैसे ये काम कर रहे हैं आप ये करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइपिंग की है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट में, जैसे कि ये मैंने हेडिंग वन लगाई है, मैं अगर लिख सकता हूँ ना यहाँ पे अपनी याद दहानी, इसी तरह यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल के लिख दूँ ये मैंने हेडिंग टू लगाई है, ये मैंने हेडिंग थ्री लगाई है, यहाँ पे मेरा फॉन्ट साइज 12 है, मतलब अपनी याद दहानी के लिए मैं एक नोट बना रहा हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, मैं ऐसे अगर काम आप लोग लिखते ही हैं, ठीक है, ब्रैकेट डाल के, अगर आप अभी अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ डॉक्यूमेंट को तो ये हिस्सा नजर आएगा ऐसे लगा हुआ दिखाई दे। कमेंटिंग एक ऐसा हमारे पास फीचर मौजूद है जिसमें आप एक लफ्ज को सिलेक्ट करके ऊपर एक नोट लगा देते हैं, लेकिन वो चीज प्रिंट में नहीं आती, वो जस्ट आपकी याद दहानी के लिए। मैं यहाँ पे ये लफ्ज सिलेक्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट, और यहाँ जाता हूँ कमेंट, और कमेंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक मैंने लव सिलेक्ट किया सबसे पहले, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा कमेंट पे क्लिक किया, कमेंट पे जैसे ही क्लिक किया आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन लग गई और एमएस वर्ड की मार्जिन से बाहर यहाँ पे एक लिखा आ गया और मेरा नाम यहाँ पे लिखा आ रहा है जैसे कमेंट्स होते हैं, और मैं यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ मैंने हेडिंग वन लगाई थी। क्यों लिखा ये मैंने, अपनी याद दहानी के लिए, कल को मैं 5-10 दिन बाद भी ये फाइल खोलूंगा तो मुझे ये लव्स देख के पता लग जाएगा कि यहाँ पे एक कमेंट लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप कहीं और कमेंट लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रोफेशनली को सिलेक्ट किया, कमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखूंगा ये भी
हेडिंग वन लगाई गई थी। अब इसको ऐसे पीछे से देखते हैं, ठीक है। और मैंने क्योंकि रजिस्टर किया हुआ अपने नाम के साथ, साइन इन किया हुआ, इसलिए मेरा नाम आ रहा है। अगर आपका नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, वो यूजर के नाम से लिखा आ रहा हो, ठीक है। और ये कमेंट्स जो होते हैं वो मार्जिन से बाहर होते हैं, आप देख रहे हैं कि मार्जिन आपका यहाँ तक है और ये मार्जिन से बाहर होंगे, इसलिए ये प्रिंट के अंदर भी नजर आपको नहीं आएंगे। और यहाँ पे जहाँ पे आपने कमेंट लगाया होगा वो जस्ट आपको ऐसे दिख रहे होंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे कमेंट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। आप किसी कमेंट को डिलीट करना अगर चाह रहे हैं तो जिस लफ्ज पे कमेंट लगा होगा, जैसे कि यहाँ पे इस लफ्ज के ऊपर कमेंट लगा, इस पे करेंगे राइट क्लिक इस लफ्ज के ऊपर और यहाँ से डिलीट कमेंट पे क्लिक कर, ठीक है। डिलीट कमेंट पे क्लिक करेंगे, कमेंट यहाँ से हो गया डिलीट। इसी तरह प्रोफेशनली में जाके उस पे राइट क्लिक करेंगे और फिर कर देंगे डिलीट, तो सारे कमेंट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो ये बात क्लियर है कि जस्ट सिर्फ इसका कोई और मकसद कोई नहीं है, ना इसका कोई ऐसे फायदा है।